सहस होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। नमस्कार दोस्तों, हमारे सहस होम्योपैथिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद्र पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से समस्याओं का समाधान बताने के लिए प्रस्तुत हूँ। जो आज का टॉपिक है एलर्जिक रेनिटिस, एलर्जिक रेनिटिस, रेनिटिस मतलब नाक मुंह से पानी निकलना, उस पर मैं बताने जा रहा हूँ। नाक से आँख से पानी निकलता है, रेनिटिस होने लगता है। एलर्जी रेनिटिस होता क्यों है? एलर्जिस बदलते मौसम में धूल धक्कड़ इन चीज़ों से होता है, और आमतौर पर आजकल देखने का कि फिजिकल वर्क आदमी बहुत कम करता है, तो खाने पीने की चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा एलर्जी रेनिटिस होने लगता है। मैं देखता हूँ आज दिन में धूल से, धक्कड़ से, और साथ में जो बदलता मौसम है, प्रदूषण जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, सड़कों में निकलने में जो गाड़ियों का धुआं निकलता है, या वैसे भी हमारी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसकी वजह से लगातार मौसम में टेम्परेचर आगे पीछे होने लगता है, तो उसके वजह से भी एलर्जी रेनिटिस होने लगता है। एलर्जी रेनिटिस का मेन वो है कि बदलते मौसम में सर्दी जुकाम बुखार आ जाता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप धूल झाला वाली जगह में जा रहे हैं तो मास्क का सेवन करिए, मास्क लगाइए, और साथ में खाने पीने का ध्यान दीजिए कि खाने पीने में कौन सी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे आपको एलर्जी बॉडी में हो रही है, वो चीज़ें ना खाइए, और साथ में खूब पानी पीजिए, पानी का सेवन खूब पानी पीजिए, और साथ में हो सकता है तो सुबह शाम थोड़ा बहुत योगा कर लें या फिजिकल वर्क कर लें तो एलर्जी रेनिटिस हो जाएगी। अगर हो गया है तो उसके लिए मैं आगे आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। अगर एलर्जी रेनिटिस बार बार हो रहा है या हो रहा है तो मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, वो मेडिसिन का उपयोग करेंगे तो पूर्ण रूप से एलर्जी रेनिटिस ठीक हो जाएगा। चलिए बिना देरी करे हुए, बिना रुके हुए मेडिसिन नोट करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 200 में पाँच बूंद सवेरे शाम लेंगे आर्सेनिक एल्बम 200 में। इस तरह से अगली मेडिसिन है एलएनसीपा 30 पावर में 2 बूंद सवेरे दिन में शाम को लेंगे। इस तरह से अगली मेडिसिन है एचबीएल कंपनी की आती है ए एफ टैप को 2 से 4 गोली, ये जो ज़्यादा बड़ी गोली इसमें होंगी मैं फिर भी देखता हूँ, 2 गोली, अगर छोटी गोली है 4 गोली, इसमें बड़ी गोली है तो 2 गोली लीजिएगा। 2 गोली सवेरे दिन में शाम को लेंगे। अगर जुकाम ज़्यादा हो रहा है और नाक आँख से पानी ज़्यादा निकल रहा है तो 6 बार तक भी 2 गोली 3 बार से लेकर 6 बार तक भी ले सकते हैं। इसमें जो मेडिसिन मिक्सर है वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें जो मेडिसिन मिक्सर है जेल्सीवियम, इसमें मिक्सर है 3x में, बहुत बढ़िया मेडिसिन है, ये एलर्जी के काम उसमें बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। साथ में इसमें है इपिटोरियम पर जो बदलते मौसम में वायरल अटैक का होता है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। साथ में है बेलिस पेनिस, इसका रोल भी ये है कि बदलते मौसम में, और ब्रायनी है बदन टूटता है, प्याज ज़्यादा लग रही है, या मुँह सूख रहा है, या ठंडे हवाएँ सूख रहा है, तो बहुत सारा इसका रिजल्ट है। चलिए एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक 200 में 5 बूंद सुबह शाम लेंगे, और इस तरह से अगली मेडिसिन है एलएनसीपा 30 पावर में 2 बूंद सवेरे, 2 बूंद दिन में, 2 बूंद शाम को लेंगे, और ए एफ टैप को 2 गोली 3 बार से लेकर 6 बार तक प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नए वीडियो साथ में कल फिर मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।